हेलो फ्रेंड्स टेक्निकल जोशी में आपका स्वागत है मेरा नाम है मनोज जोशी फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगा रेट ऑफ फ्लो या वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट और कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन के बारे में रेट ऑफ फ्लो के बारे में स्टार्ट करते हैं इफ फ्लो ऑफ फ्लूड फ्लोविंग पर सेकेंड थ्रू ए सेक्शन ऑफ पाइप इज कॉल्ड डिस्चार्ज और इन अदर वर्ड द प्रोडक्ट ऑफ राइज इन वाटर लेवल एंड एरिया ऑफ मेजरिंग टैंक पर सेकेंड इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो ओके okay, जैसे कि हमारा मेजरिंग टैंक में कितना वॉल्यूम कलेक्ट हुआ है पर सेकंड उसको हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट कहते हैं और वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू से भी हम डिनोट करते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर फॉर्मूला बता रखा है कि एरिया इनटू वेलोसिटी इसका फॉर्मूला होता है और राइज इन वाटर इन मेजरिंग टैंक इंटू एरिया ऑफ मेजरिंग टैंक पर सेकेंड ये भी इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट का और इट्स यूनिट इसकी यूनिट होती है मीटर क्यूब पर सेकेंड इन एस आई यूनिट ओके अब बात करते हैं कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन के बारे में द कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो हमारी कॉन्टीन इक्वेशन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड है मतलब हमारा जो ये हमारा फ्लोइंग फ्लूड है फ्लोइंग फ्लूड अगर हमारा ये सेक्शन वन है इस सेक्शन में से जो फ्लोविंग फ्लूड है उसका जो मास है उसका मास और उसका जो फ्लो वेट होगा वो सेम होगा एट सेक्शन वन वन एंड सेक्शन टू टू पे इफ कोई अगर कोई हमारा जो फ्लूड अनदर फ्लूड ना इसमें ऐड हो इसमें ना ऐड हो ना यहां से रिमूव हो ओके ये हमारी कॉन्टीन इक्वेशन कहती है या फिर ये हमारा लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है उसका स्टेट ये कहता है हमसे अब लेट स्टार्ट ए वन ए वन वी वन एंड रो वन ये हमारी सेक्शन वन वन की डेंसिटी वेलोसिटी और एरिया है और एट सेक्शन टू टू रो टू ए टू वी टू हमारा डेंसिटी एरिया और वेलोसिटी है सेक्शन टू टू ओके चलिए कंटिन्यूटी इक्वेशन को प्रूफ करते हैं अब जैसे कि मास ऑफ फ्लोइंग फ्लूड एट सेक्शन वन वन पर सेकेंड हमारा क्या होगा वो होगा हमारा रो वन, वी वन, ए वन. ओके एट सेक्शन एंड मास ऑफ फ्लोइंग फ्लूड एट सेक्शन टू टू ये होगा हमारा रो टू वी टू और ए टू ओके दोनों सेम होंगे ऐसा हमारा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ऑफ कंजर्वेशन मास कहता है कि ये दोनों सेम होंगे इफ कोई हमारा फ्लूड यहाँ एक्सटर्नल सोर्स से हमारा कोई फ्लूड एड ना हो और ना ही कोई हमारा फ्लूड रिमूव हो फ्रॉम पाइप ओके जब ये दोनों सेम होंगे तो अब रो वन वी वन ए वन, वन इज इक्वल टू वो टू वी टू ए टू ओके तो ये हमारी कॉन्टीन इक्वेशन है अब कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन फोर इनकंप्रेसिबल इनकंप्रेसिबल फ्लूड के लिए होगी इनकंप्रेसिबल फ्लूड में क्या होता है हमारी डेंसिटी कॉन्स्टेंट हो जाती है या डेंसिटी सेम हो जाती है तो रो वन इज इक्वल टू रो टू ओके देन हमारी जो कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन होगी वो होगी वेलोसिटी एंड एरिया एट क्रॉस सेक्शन वन वन या सेक्शन वन वन इक्वल टू एरिया एंड वेलोसिटी ऑफ सेक्शन टू टू ओके हमारी इक्वेशन है और इक्वेशन हमारी इनकम्प्रेसिबल फ्लूड कंप्रेसिबल फ्लूड न्यूटनल फ्लूड और नॉन न्यूट्रनल फ्लूड सबके लिए अप्लाई होती है ओके चलिए फ्रेंड्स अब कॉन्टिन इक्वेशन को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं तो हमें ये एग्जाम्पल है उसमें जो क्वेश्चन है उसमें ये हमारा ए बी पाइप है जिसका डाया मीटर जीरो मीटर है और इसकी वेलोसिटी सिक्स पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड है ये टू ब्रांच में डिवाइड हो गया है बी सी और बी डी में तो हमारा जो बी सी है उसका डाया दे रखा है जीरो पॉइंट फोर मीटर और वेलोसिटी दे रखी है नाइन मीटर पर सेकेंड ओके और हमारा जो बी डी है उसका डाया दे रखा जीरो पॉइंट थ्री मीटर और वेलोसिटी दे रखी है नाइनटीन पॉइंट टू फोर मीटर पर सेकेंड ओके तो अब हम क्या करते हैं सबसे पहले A, B, जो हमारा पाइप है उसका एरिया निकाल लेते हैं तो एरिया हमारा निकल जाएगा जीरो पॉइंट थ्री एट फाइव मीटर स्क्वायर अब हम बी सी का एरिया निकाल लेते हैं हमें डायमीटर गिवन है तो जीरो पॉइंट वन टू सिक्स कहें बी सी का हमारा एरिया होगा जीरो पॉइंट वन टू सिक्स मीटर स्क्वायर अब हम एरिया ऑफ पाइप बी डी निकाल लेते हैं जो कि हमारा होगा जीरो पॉइंट जीरो सेवन जीरो सिक्स मीटर स्क्वायर अप्रोक्स ओके तो हमने तीनों का एरिया निकाल लिया है अब हम तीनों का डिस्चार्ज निकाल लेते हैं तो हमारा जो डिस्चार्ज होगा ए बी का ए बी पाइप का वो होगा ए वन वी वन ओके तो हमें ए वन गीवन है या ए वन हमने कैलकुलेट किया है और हमें वी वन गिवन है वी वन हमारा सिक्स पॉइंट फाइव है तो हमारा जो डिस्चार्ज आएगा ए वन का या फिर ए बी पाइप का वो होगा टू पॉइंट फाइव जीरो मीटर क्यूब पर ओके, अब हम डिस्चार्ज निकालेंगे बीसी का जो कि हमारा होगा ए टू वी टू तो हमारा ए टू है जीरो पॉइंट नाइन हमारी वेलोसिटी है जो डिस्चार्ज है बी तो का वो हो जाएगा वन मीटर क्यूब पर सेकंड अब हम बात करते हैं बी पाइप की तो बी में हमारा जो एरिया है और जो हमारी वेलोसिटी है वो है 19.24 और जीरो पॉइंट जीरो सेवन जीरो वन ओके तो इसका जो हमारा डिस्चार्ज निकलेगा वो आएगा वन पॉइंट थ्री सिक्स सिक्स अप्रोक्स मीटर क्यूब पर सेकेंड तो अब हम हमने डिस्चार्ज निकाल लिया एवरी पाइप का ओके okay. तो अब हम कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन को प्रूफ करते हैं हमारा क्वान्टूटी इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं इसमें जो हमारा मानिए ये हमारा एक सेक्शन है यहाँ से जो फ्लूड या मास ऑफ फ्लूड फ्लो हो रहा है फ्लोइंग फ्लूड में जो हमारा मास है फ्लोइंग फ्लूड का पर सेकेंड जितना फ्लो हो रहा है उसका जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो वेट होगा वो सेम होगा एट डिफरेंट सेक्शन पे ओके okay, तो हमारा जो यहाँ पे जो हमारा डिस्चार्ज था वो इक्वल हो जाएगा इन दोनों के सम के ओके okay, तो इन दोनों का सम क्यू बी सी प्लस क्यू बी डी या हम कहें क्यू ए बी इज इक्वल टू क्यू बी सी प्लस क्यू बी डी तो हमारा जो क्यू ए बी था वो था टू पॉइंट फाइव जीरो मीटर क्यूब पर सेकेंड और हमारा क्यू बी सी आया था वन पॉइंट वन थ्री फोर मीटर क्यूब पर सेकेंड और उसको जब हम ऐड करेंगे क्यू बी डी से तो हमारा ये अप्रोक्स टू पॉइंट फिफ्टी ही आएगा तो अब ऐसे हमारी ये कॉन्टीन इक्वेशन प्रूफ हो गई है जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाया फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब हमारे चैनल को आगे की अच्छी वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग